प्रथम तहलका न्यूज। यूं तो सरकार की तरफ से लेबर योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं का भत्ता अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा है, जिसके बाद अब चंडीगढ़ का मजदूर सेक्टर 30 के चंडीगढ़ लेबर दफ्तर का दरवाजा खटखटाने लगा है। आपको बता दें कि इस देश की लेबर अब मोहताज हो गई है, क्योंकि न तो उनके पास उतना काम रहा है कि वे अपने परिवार का गुजारा कर सके और ना ही पैसे। जो कुछ भी उनके पास था वो लॉकडाउन के दौरान खर्च हो गया। आए दिन लेबर दफ्तर के बाहर मजदूरों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं, जिसमें कोई सरकार द्वारा दिए जाने भत्ता के फॉर्म भरने को पहुंचता है तो कोई अपने मजदूर होने का प्रमाण पत्र बनाने के लिए पहुंचता है। ऐसे ही कुछ लेबर वर्ग के लोगों से जब बातचीत की गई तो किस तरह उन्होंने अपनी परेशानियां बताई, आप खुद ही सुन लीजिए। बहुत बड़ी परेशानी आ रही है सर, जिन लोगों के पैसे BOC वालों के जाने चाहिए थे कोरोना पीरियड में, अभी तक उन जायज लेबरों के पैसे नहीं गए। बार बार हम लोगों से लिस्टें मांगी जा रही हैं, ये कि हम लोगों को लिस्टें भी बना के दे रहे हैं कि आप घर घर जाके पता करो कि वर्कर कहाँ है। जिन लोगों के पैसे मिलने थे उनके पैसे नहीं मिले, बल्कि कुछ और पैसे चले गए हैं जो लापता किसी को पता नहीं। दूसरी बात, जनवरी महीने में इसी डिपार्टमेंट ने धनास, डड्डू माजरा, मौली जागरा, बड़ैल में कैंप लगवाए थे ट्रेड यूनियन को साथ ले करके कि हमारी मदद करो, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन बनानी है, उसी में लेबर कार्ड भी बनाने हैं। उनके भी फार्म भरवा के ले लिए गए जनवरी महीने में, अभी तक उन फार्मों का कोई पता नहीं लग रहा, सैकड़ों की गिनती में फार्म पड़े हैं। उनके तो कार्ड बना के ही नहीं दिए गए, लेकिन आज ये दशा कर दी गई है कि जो कोरोना काल में कोरोना से बचाना चाहिए लोगों को, लेबर डिपार्टमेंट ने लोगों को खुला छोड़ दिया मरने के लिए। आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ये हाल है। सवेरे 7 बजे यहाँ पर 15 आदमियों की लाइन लगी हुई थी, सवेरे 7 बजे से फोन आने लग जाते हैं हम लोगों के पास कि 15 आदमी लग गए हैं जी लाइन में। ये क्या सिस्टम बनाया इन्होंने, क्या किया कुछ नहीं पता लग रही है। टोटल मजदूरों को मरने पर अपने आप ही छोड़ दिया इन्होंने। 3 दिन से मैं आ रहा हूँ, 3 दिन से घुमा रहा कि ये नुक से वो नुक से, धूप में खड़ा कर रहा है। अंदर जगह नहीं है, अंदर इतनी जगह है खड़ा कर देगा। दिहाड़ी मार दिया, दिहाड़ी अलग से जा रही है, दिहाड़ी अलग से जा रही है मेरी, रोज का यही ड्रामा है। क्या करें बोलो, गरीब आदमी क्या करें, कहाँ जाए। प्रॉब्लम यही है जो आने पर यहाँ लाइन में लगे रहो, नहीं काम होता हो वापस मुड़ के जाना है, और काम कोई हो नहीं पाता। अब ये बताइए, सवेरे के आके लगे हैं, अभी तक ये हुआ, अभी तक कुछ नहीं, आके लास्ट में देखता हूँ घूम के, फिर आज भी जाना पड़ेगा। वही जब लेबर विभाग के इंस्पेक्टर प्रेम सागर से इस बारे में बात की गई तो क्या कहना था उनका, जरा उनकी भी सुने। आगे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है ये उनके लिए है, जो अपना कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, ठीक है, जैसे कोई प्लम्बर है, मैसन है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर, सीमेंट वाला, इसका इनका फायदा क्या होगा? इनसे इनके लिए काफ़ी स्कीम है, जो जो अपने ये प्रॉपर मजदूर बने हैं, जो इनका बनते हैं कार्ड, बनते कार्ड बनने के बाद पेशेंट के एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, ठीक है, ये चीज़ें स्कीम जो बनी हुई हैं वो चीज़ें इनको मिलती हैं, प्रोवाइड करते हैं। सर दूसरा, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं 3 महीने से आ रहा हूँ, कोई कह रहा है 4 महीने आ रहा हूँ, आखिर क्या उनके कागजों में कोई कमी है या? सर वो तो देखते हो, अपना उनके एप्लीकेशन देखते ही बता सकते हैं, ऐसे में आपको बता सकते हैं नहीं। यहाँ पे ऐसे आदमी भी मिले हैं जो 4 महीने से, अभी कोरोना हुआ था तो इसकी वजह से भी काम कपड़े नहीं रुकी, अभी थोड़ी बहुत हम उसको स्मूथ लेने के आए ताकि वो काम जो पिछला काम रुका हो उसको आगे निकाला जाए। सरकार ने लेबर के लोगों के लिए कई स्कीमें चलाई हैं, लेकिन सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम अभी तक लेबर वर्ग के लोगों तक नहीं पहुंची है। इतना ही नहीं, उन मजदूरों को मजदूरी का प्रमाण पत्र भी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण कि वे सरकार द्वारा दी जा रही लेबर भत्ता को ले सके और अपने घर का निर्वाह कर सके। क्योंकि जब तक लेबर वर्कर का लेबर प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, तब तक उन्हें सरकार के द्वारा दी जा रही स्कीम नहीं मिलेगी। आखिर कब तक इन लेबर भत्तों के लिए मजदूर को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ेगा और सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं उन्हें कब तक प्राप्त हो पाएंगी? प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से शाइना शर्मा की रिपोर्ट।